यहाँ मैं इस दिन का कब से इंतज़ार कर रहा हूँ. आई एम सो हैप्पी टू फाइनली मीट यू. मी टू. कहाँ जा रहे हो आप? डेट पे जा रहे हो क्या? नहीं, शादी पे. किसकी? अपनी. अपनी? अच्छा सुन, तू ना अभी अपने कमरे में जा, मैं ये कॉल खत्म करके तुझे बुलाती हूँ. पर बात किससे कर रही हो? अरे मेरी माँ सब बताती हूँ, तू अभी प्लीज जाना अपने कमरे में. चल प्लीज. मम्मा भूख लगी है. अब 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 सिमरन प्लीज उसे कुछ खिला देना प्लीज. ओके फाइन, खिलाती हूँ कुछ. हाय समीर, आई एम सॉरी मुझे ये कॉल लेने में वक्त लग गया, बिकॉज मैं आई वॉज जस्ट कॉट अप विद समथिंग और द अदर एंड आई जस्ट. रिलैक्स, डोंट स्ट्रेस. बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम. थैंक्स. नेहा मैं बहुत मिस करता हूँ तुम्हें. आई मिस यू टू. कभी सोचा नहीं था दैट आई विल फॉल इन लव अगेन. मैंने भी कहाँ सोचा था. सोनू कैसा है? बहुत भूखा. In fact, Simran उसे अभी ले गई है कुछ खिलाने के लिए. Yeah, I really want to meet him. Yeah. In fact, I'm sure he'll like it here. वैसे एक स्कूल में मैंने बात कर ली है, वहाँ काफी सारे इंडियन बच्चे पढ़ते हैं. I'm sure he'll adjust. Thanks so much, Samir. Hey, hello. No thanks. Okay, we are a family now. By the way, I'm trying to sort out your visa thing. शायद इंडिया आना पड़े मुझे. I'm so sorry, Samir. आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है. पर जैसा मैंने पहले कहा था कि मैं केस में इन्वॉल्व नहीं थी. फ्रॉड सुशांत और उसकी फैमिली ने किया और फंस गई मैं. थैंक गॉड तुमने डिवोर्स ले लिया एंड यू गॉट आउट ऑफ दैट फैमिली. एनीवे डोंट वरी, मैं ठीक कर लूँगा सब कुछ. वैसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत एक अच्छी जॉब भी देख ली वहाँ. मैं क्या कह रहा था, मम्मी जी को भी ले आते ना यहाँ पे आफ्टर फ्यू मंथ्स. दैट विल बी परफेक्ट. नेहा वो सोने के पहले एक बार कह दो ना प्लीज. I love. लगता है सोनू आ गया. I'll talk to you tomorrow. I. क्या बात है दीदी, tall and handsome with a moose. Control कर ले थोड़ा तेरे होने वाले जीजू. हाँ, but I'm proud of you दीदी. क्या hot जीजू लाए हो यार. चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है. अच्छा सुन, वो इंडिया आने वाले हैं और घर भी आएंगे, तो प्लीज ऐसे बिहेव मत करो. ओह माय गॉड, वो इंडिया आ रहे हैं. सो यू नो ना वो इंडिया क्यों आ रहे हैं. हाँ, वो वीजा का प्रॉब्लम है, उसे सॉर्ट आउट करने. नो यार, सब सिखाना पड़ेगा. सुनो मेरी बात. ठीक है, आपका मैच परफेक्ट एंड एवरीथिंग. वो यूएस से हैं, ऑलरेडी डिवोर्सी हैं, नाउ ही वॉन्ट्स टू मैरी अ ब्यूटिफुल इंडियन गर्ल. बट यूएस से हैं वो, तो बिना टेरिस्ट ड्राइव के कोई गाड़ी नहीं खरीदेंगे. तेरे दिमाग में ना गंद भरा हुआ है, वो बिल्कुल ऐसे नहीं है. तो कैसे हैं वो? उन्होंने सोनू के लिए अभी से स्कूल देख रखा है, और पता है उनकी फैमिली बिल्कुल सिंपल और डाउन टू अर्थ है. तू ना बस कुछ मत करना, तेरी ये वाहियात हरकतों को ना कंट्रोल कर लेना उनके सामने. मैं ठीक तो लग रही हूँ ना? अरे मासी क्या लग रहे हो, आपने माधुरी दीक्षित को पीछे छोड़ दिया. चुप रे बेशरम. क्या हुआ बहन जी? अरे नहीं नहीं बहन जी, आपसे नहीं. ये लड़की मुझे कुछ भी. अब तो ना मेरा मन कर रहा है कि जल्दी से अपनी बहू को अपने पास बुला लूं. हाँ बहन जी, अब जब दोनों बच्चों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो. नमस्ते आंटी जी. नमस्ते बेटा. आंटी जी नहीं, तुम्हारी होने वाली सास है, मम्मी जी बोलो. सॉरी सॉरी मम्मी जी. अच्छा वो नेहा को रिंग भेजी थी, मिल गई? और बेटा हमने जो रिंग भेजी थी आपको, वो मिल गई? I'm sure ये आपकी चॉइस होगी. आई रियली लाइक इट. सॉरी आई एम गेटिंग लेट फॉर ऑफिस, मुझे जाना होगा. मैं आपके साथ बाद में बात करता हूँ. ओके सी यू गाइस लेटर, बाय. ओके बाय. हे गैरी, व्हाट्स अप? या माय फियांसे सपोज टू कम हियर आफ्टर मैरिज, बट शी इज नॉट गेटिंग वीजा. ना ना, नॉट अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, इट्स जस्ट अ स्मॉल केस वेयर इन शी हैड टू गो टू पुलिस स्टेशन इन इंडिया. ओके ग्रेट, थैंक यू सो मच गैरी. क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? व्हाट डिड ही से? उसने कहा कि वो किसी को जानता है यहाँ पे, ही विल सॉर्ट इट आउट, सो नॉट टू वरी. नेहा आई एम सो एक्साइटेड दैट आई एम कमिंग टू इंडिया. यू नो व्हाट समीर, आई रियली मिस यू अ लॉट.
पता नहीं मुझे ये बोलना चाहिए या नहीं, बट ऑफिस से आने के बाद मैं बस तुम्हारे कॉल का ही इंतजार करती हूँ। मैं भी। ऐसा लगता है कि हम लोग सालों से एक दूसरे को जानते हैं, नहीं? You won't say it, so I have to say it. I love you so much, Neha. समीर, आपको इस काउच पे ही एडजस्ट करना होगा क्योंकि घर में बस दो ही कमरे हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और वॉशरूम उस तरफ है। ओके। एंड मैंने टॉवल्स भी रख दिए हैं। आपको और कुछ चाहिए होगा? बस एक पानी की बोतल। हाँ, आई विल गेट इट। नेहा, मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा हूँ। I'm so happy to finally meet you. Me too. Call me old fashioned, but ये सब शादी के बाद। I respect that. Good night then. Good night. मैं क्या सोच रहा था मम्मी जी, आप भी चलो हमारे साथ। जो सहूलियतें वहाँ हैं ना मम्मी जी, वो यहाँ नहीं है। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जीनी है ना, तो सिर्फ वहाँ है। अरे बेटा, मैं कहाँ हूँ? नहीं मम्मा, ये हमारा जॉइंट डिसीजन है। एक्सक्यूज मी, या गैरी? नो वे गैरी, व्हाट इज द स्टूपिड क्लॉज नाउ? I know there are Christmas holidays after this. Okay, I'll do it right away. Neha, tumhare account mein abhi kitne paise hain? Kuch 5 lakh. Kyun? Okay, we have like 5 lakh rupees in our account right now. You must be kidding now, Gary. How can we earn such a huge amount in such a short time? You said it'll be done, Gary. Okay. Okay. Thanks. नेहा, गैरी कह रहा था कि तुम्हारी केस की वजह से अगर तुम्हारे अकाउंट में अगले 2 दिन में 15 लाख अरेंज ना हुए तो प्रॉब्लम होगी। 2 दिन में 10 लाख? आई नो इट्स टफ। मुझे फिर अकेले ही जाना होगा। विदाउट वीजा मैं तुम्हें और सोनू को तो नहीं ले जा सकता ना। पर समीर, आई हेट दिस पीपल यार। मतलब 6 महीने तक मैं नहीं आ पाऊंगा। आई होप तब तक वीजा थिंग इज सॉर्टेड। बट आई हैव रिजाइन फ्रॉम ऑफिस समीर, एंड आई रियली वांटेड टू बी विद यू। ओके ओके, एक काम करते हैं। आई हैव लाइक 3 लाख रुपीज इन माई कार्ड विच आई विल ट्रांसफर राइट अवे। बाकी 7 लाख का कुछ करना होगा। बेटा, मेरी 2 लाख की FD है जो मैं तुड़वा सकती हूँ, और 4 लाख के गहने हैं इसके। 3 + 2 + 4 मतलब 9 हो गए, 1 लाख बचे। नेहा, व्हाट अबाउट अ रिंग? समीर, नॉट अ रिंग्स प्लीज। नेहा, हम लोग दोनों साथ में US में होंगे, कितने रिंग्स ला दूंगा मैं तुम्हें ऐसी। राइट नाउ वी नीड टू गेट दिस सॉर्टेड। नो जीजू, आई थिंक रिंग बेचना इज अ बैड आइडिया। Why not me? मैं ट्रांसफर करवा दूंगी 1 लाख रुपीज। I think we are sorted then. Okay, let me just speak to Gary. बेटा फोन लगा के नहीं? मम्मा, सुबह से कोशिश कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। आपकी लास्ट बात कब हुई थी जीजू से? आज सुबह, जब वो कैश और ज्वेलरी लेके यहाँ से निकले। तो आपके अकाउंट में डलवाने गए थे ना, चेक करो ना, मैसेज या कुछ आया होगा फोन पर। कोई मैसेज नहीं है। इतना कैश, इतनी ज्वेलरी लेके निकले हैं। आई होप ही इज ऑल राइट। दी, चिंता मत करो, US के समय नेटवर्क इश्यू आ गया होगा या फोन बंद हो गया होगा, एक बार वो ट्राई करो ना।
The number you dialed is not in service. क्या आप जानते हैं कि इंडिया में शादियों पर हर साल कितने पैसे खर्च किए जाते हैं? 1,00,000 करोड़। आई नो, ज्यादातर लड़कियों के लिए शादी उनकी लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट होता है। बचपन से हर फेरी टेल में एक राजकुमार होता है, एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर होता है जो राजकुमारी का दिल जीत कर उसे अपने ख्वाबों की दुनिया में अपने साथ लेकर जाता है। इसीलिए बड़े होने के बाद दैट्स द लीस्ट अ गर्ल एक्सपेक्ट्स। नेहा भी अपने यही ख्वाब पूरे करना चाहती थी। शी वॉज डेस्परेट और इसी डेस्परेशन की वजह से उसने कुछ अहम कदम बिना सोचे समझे और बिना जांच पड़ताल किए उठाए। इट्स ग्रेट व्हेन यू फॉल इन लव विद समवन डेस्परेटली, बट फॉलिंग इन लव व्हेन यू आर डेस्परेट, क्या ये सही है? मैट्रिमोनियल साइट सिर्फ एक जरिया है किसी से मिलने का, लेकिन जिंदगी भर का वादा करने से पहले जरूरी है सामने वाले की नीयत की सच्चाई जानना, और जरूरत है टू बी सेफ।